पाकिस्तान से ले आया था 8 किलो हेरोइन, पुलिस ने किया काबू। पंजाब पुलिस ने ऐसे तस्कर को काबू किया है जो दरिया में तैर कर पाकिस्तान इलाके में जाकर हेरोइन की खेप भारत पहुंचा रहा था। पुलिस ने इस शख्स से 8 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी की पहचान जोगा सिंह के तौर पर हुई है, जो लुधियाना के राजापुर गांव का रहने वाला है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि जोगा एक अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर है और वह पाकिस्तान से सरहदी नेटवर्क द्वारा लाई गई हेरोइन की खेप को लाने के लिए तैर कर पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में गया था। उन्होंने कहा कि दोषी एनडीपीएस एक्ट के कई मामलों में वांछित है और उसके दो साथियों को 14 किलो हेरोइन बरामदगी के बाद स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डीजीपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि शिंदर सिंह व उसके साथियों ने फिरोजपुर सेक्टर में नदी के रास्ते के द्वारा पाक आधारित तस्करों और एजेंसियों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में भेजी गई हेरोइन की एक बड़ी खेप प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि हेरोइन की इस खेप की बरामदगी पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही जांच के नतीजे के कारण हुई है। दोषी जोगा सिंह, जिसके पास हेरोइन की खेप थी और वह किसी व्यक्ति को उसकी डिलीवरी देने जा रहा था। पुख्ता सूचना के आधार पर गोराया पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने गांव धुलेता के नजदीक विशेष नाकाबंदी की और दोषी जोगा सिंह को उस समय काबू किया जब वह अपने प्लैटिना मोटरसाइकिल पर खेप की डिलीवरी देने जा रहा था और उसके पास से बैग में छुपाकर रखी 8 किलो हेरोइन भी बरामद की गई।